अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ हिबा बासी। तूफानी बारिशों से तबाही, सब कुछ तहस नहस हो गया। मानसून बारिशों का स्पेल पाकिस्तान पर असरअंदाज होना शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशें, सड़कें गीली, तालाब का मंजर पेश करने लगी। तरनोल सेक्टर 13 में सड़कों पर कई फीट पानी जमा, पानी घरों में दाखिल हो गया, गाड़ियां भी डूब गई, शहरियों को मुश्किलात का सामना। 26 नंबर चुंगी मोटरवे पर पानी भरने से गाड़ियां डूब गई। इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ मेट्रो स्टेशन में भी बारिश का पानी जमा, नाला लई में पानी की सतह बुलंद। इस्लामाबाद में नाला को रंग बिखरने से 4 कमसन भाई पानी में फंस गए। पाक बहरिया पुलिस और अमदादी टीमों ने बच्चों को रेस्क्यू किया। रावलपिंडी में बारिशों ने सब कुछ डुबो दिया। कटारिया के मकाम पर पानी का बहाव 15 फीट तक पहुंच चुका है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज के दस्ते पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू का अमला भी नाला लई के मकाम पर मौजूद है। जुड़वा शहर में 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची को फिर से बादल बरसने को आ गए, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि बहरे अरब से मानसून का सिलसिला बदस्तूर सिंध में दाखिल हो रहा है। कराची और दादू में 7 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मजीद अपडेट लेने के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज नेटवर्क। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।